गृह मंत्री अमित शाह ने संकेत दिए हैं कि आधार, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की जगह भविष्य में सिर्फ एक ही कार्ड हो सकता है। आइए हम जानते हैं कि अगर एक ही कार्ड होगा तो उसकी खासियत क्या होगी। विश्व के कई देशों में यह अभिव्यवस्था लागू भी है। दुनिया के 60 देशों में एक कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ केयर कार्ड, बैंक खातों आदि से जुड़ी जानकारियों के लिए 60 देशों में एक ही कार्ड चलता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है जो डेटाबेस से कनेक्ट होती है। एक कार्ड के कई फायदे। 18 साल का होने के बाद वोटर कार्ड बनवाने के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा। कई कार्ड लेकर चलने और उनके नंबर याद रखने से आजादी मिलेगी। पैन और आधार कार्ड को जोड़ने से फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सकी है। उसी तरह अगर एक कार्ड होगा तो कई फर्जीवाड़े पर रोक लग सकेगी। कई राज्यों में वोटर कार्ड व आधार जोड़े गए हैं, इसके लिए अभियान चलाना पड़ा। जबकि एक कार्ड होगा तो इस तरह के अभियान चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में अभी कितने तरह के कार्ड हैं? आधार, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि। पहली बार कब हुई थी इस कार्ड की सिफारिश? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस कार्ड का उल्लेख किया है उसकी सिफारिश 2001 में अटल जी की सरकार ने मंत्रियों के समूह में की थी। केंद्र सरकार 2020 की शुरुआत तक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बना लेगी। इससे 10 जांच एजेंसियों को नागरिक की हवाई यात्रा, क्रेडिट कार्ड जैसे करीब 21 डेटाबेस की पहुंच मिल जाएगी। इस डेटाबेस से आतंकवादियों और घुसपैठियों की पहचान हो सकेगी।